मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। रनवे और एटीसी भवन के अधूरे निर्माण को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। हवाई अड्डा चालू हुआ तो उत्तर बिहार एवं मिथिलांचल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के जयनगर तटबंध, कमला वियर पॉइंट और नरुवार तटबंध का किया निरीक्षण। बारिश की वजह से नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की संभावनाओं को लेकर किया हम बैठक। अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने और आपदा के दौरान विशेष इंतजाम करने का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से साधा संवाद। नीतीश सरकार की गिनाई उपलब्धियां, सड़कों का जाल, घर घर बिजली और विकास के लिए बदली गांव की तस्वीर, अब हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य। पाटलिपुत्र खेल परिसर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए तैयार हुआ 100 बेड का नया कोविड केयर सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण और सुविधाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव। सृजन घोटाले की सीबीआई जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने विरोधी दलों की मंशा पर बोला हमला। लोकतंत्र बचाओ यात्रा की नौटंकी करने वाले विरोधियों को देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं। बेगूसराय में एक्साइज विभाग ने पकड़ी प्रतिबंधित शराब की बड़ी खेप। मुर्गी के दाने में छुपाकर भेजी जा रही थी दारू। मुंबई पासिंग ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। राजस्थान निवासी चालक भी गिरफ्तार। आज गुप्त सूचना मिली थी, इसी के आधार पर साहेबपुर कमाल में बोलबम पेट्रोल पंप पास में हम लोग एक ट्रक का सघन जांच किया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब जो कि रांची से बेगूसराय में बेचने के लिए ला रहा था, तो चोर व्यापार इसकी विशेष जांच की जा रही है। वहीं पर हम लोग ने ड्राइवर के साथ ट्रक को जब्त किया है। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र में मवेशी चराने गए युवक की आसमानी बिजली गिरने से मौत। दो लोग गंभीर रूप से घायल। रामनगर गांव की घटना। बारिश के दौरान होते हैं ऐसे वज्रपात, रहें सावधान। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बेगूसराय में भरा कार्यकर्ताओं में जोश। कोरोना लॉकडाउन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों को सराहा। स्वदेशी और स्वयं रोजगार अपनाने पर दिया जोर। मोतिहारी की मोती झील में साफ सफाई के बाद पहली बार दौड़ी मोटरबोट। जिलाधिकारी कपिल अशोक सिरसाट ने स्वयं किया नौकायन। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए बोले डीएम, झील में नौकायन से स्वच्छता और जल संरक्षण को मिलेगा प्रोत्साहन। दिन भर में रहेंगे 3 मोटरबोट। नौकायन के शौकीनों को एनडीआरएफ देगी प्रशिक्षण। यहाँ पे हमारा रोइंग क्लब अवस्थित है। इस रोइंग क्लब के माध्यम से हमने जो है यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे। साथ ही ये 3 नाव जो यहाँ पे आई है, इससे पूर्वी चंपारण के स्पर्धक को हम तैयार करेंगे। और देख रहे हैं कि मोती झील जो है काफी विस्तृत है, काफी लंबा है, तो वाटर स्पोर्ट्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। पर्यटन का एक अच्छा अवसर हमको मिल रहा है। और क्योंकि इस माध्यम से एक टीम भावना जो है यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। और साथ ही में जो है हमारे मोतिहारी की जो जिलावासी है, इन लोगों को भी जो है एक आनंद का यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी सुविधाएँ हम यहाँ पर देंगे। भारत के दबाव के बाद रक्सौल में झुकी नेपाल की सेना। पनकोटा गांव में बने वॉच टावर को आर्म फोर्स ने हटाया। मीडिया में खबर आने के बाद चौकन्ना हुआ था सीमा सुरक्षा बल। चीन की सह पर नेपाल ने सरहदी इलाकों में बना दी है दर्जनों चौकियां। बढ़ रहा तनाव। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।